हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज अभय कोतवाल, यू आर वाचिंग माय चैनल भद्रुभाई बॉय। तो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमारी पिकनिक व्लॉग थी जाई के लिए और वो बहुत बड़ी हो गई थी गाइस, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा हमें। पर ये जो आज की वीडियो है ना गाइस, आज की वीडियो जो होगी, ये हम जा रहे हैं पिकनिक व्लॉग टू नाल्ठी। नाल्ठी भद्रवा में एक बहुत ही फेमस जगह है, तो आज हम वहां जाएंगे। आज का पिकनिक व्लॉग हम थोड़ा सा छोटा करके, मतलब आपको दो पार्ट्स में ना जाए, थोड़ा सा छोटा ही हो। और चलिए, इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया हमारे व्लॉग की, तो चलिए जाते हैं। अभी देखते हैं, मैं तैयार शैयार हो जाता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास फिर से सामने आता हूँ। हाँ जी गाइस, तो मैं आ चुका हूँ, तैयार मैं हो गया हूँ। ये थोड़ा सा बालों को सेट कर रहे हैं, तो ये देखिए, मैंने ऊपर से ये टी शर्ट लगाई है, नीचे से ये पैंट लगाई है, ये वाले। मतलब गाइज, पता है क्या सीन हो गया, मुझे लगता है कि टी शर्ट मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज मैंने जो है ना टी शर्ट कोई लाई ही नहीं है साथ में। मैंने सोचा था कि हमें जो ये है ना, किश्तवाड़ से हम जैसे आए थे, मुझे लगा था हम जल्दी वापस चले जाएंगे, तो मैंने गिनी चुनी तीन चार टी शर्ट सी डाली थी। पर अब मुझे पता चल रहा है कि टी शर्ट डालनी चाहिए थी, और मतलब और भी टी शर्ट हमें अपने साथ रखनी चाहिए थी, पर गाइज अब बदकिस्मती हमारी, हमने रखी नहीं। गाइज, जहाँ हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं ना, उस जगह का नाम है नाल्ठी, मतलब नाल्ठी हिमन टाइप समथिंग नाम है, बट नाल्ठी फेमस नाम है वहाँ का, जहाँ से आप पहचान लोगे। लाइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं। हाँ, तो हम जा रहे हैं नाल्ठी, तो देखते हैं चलो गाइज आगे क्या होता है। ये मेरे नानी का घर है, ये मेरा कमरा है मेरे नानी के घर में, याद से कभी आप सबको पता होना चाहिए, ये मेरा कमरा है मेरे नानी के घर में, नानी के घर में अलग से अपने लिए कमरा रखा है। चलिए गाइस, देखते हैं बाकी क्या होता है। वीडियो कोशिश करूंगा बहुत ही छोटी वीडियो हो, ताकि दो दो पार्ट्स में ना इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। तो ये देखिए पीछे शीशे में तुम्हारे भाई के बाल, वाह यार आग लगा दी। चलिए देखते हैं बाकी क्या होता है। हाँ जी गाइस, तो अभी जो है हम हो चुके हैं बिल्कुल तैयार अच्छी तरीके से, और अब हम जा रहे हैं, मतलब अब हम जाते हैं, अब यहाँ से रवाना हो जाते हैं, घर से नानी के घर से रवाना होते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस आगे वीडियो में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी मासी है, देखो गाइस, ये मम्मी, ये मासी और ये मैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हाँ जी, तो देखो ये है, और अभी हम जा रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो देखो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी में, तो यहाँ से वहां तक का जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाएगी, वहां पर जाकर मैं आपको व्लॉगिंग करके दिखाऊंगा। हो सके तो मैं किसी को कह दूंगा कि वहां से थोड़ा सा रास्ते की कवरेज कर लें, मतलब रास्ते को कैप्चर कर लें, मगर अगर हो सकेगा तो, नहीं तो अभी मैं जाता हूँ गाइस, अब मैं स्कूटी में जा रहा हूँ, तो वहां पर पहुंच कर ही मैं आपको बताऊंगा, और व्लॉग भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा किसी बहाने। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता है। हाँ जी गाइस, तो हम जो है स्कूटी वाले हम पहुंच चुके हैं। ये देखो ये रेस्टोरेंट है पीछे यहाँ का, तो बहुत अच्छी जगह, नाल्ठी से आगे आए हम, तो चले देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए कितनी अच्छी जगह है, मतलब की ब्यूटी देखिए, देखिए गाइस ये है हमारा भद्रवा, ये यहाँ पे मंदिर है, ये है नाल्ठी का एरिया, जो यहाँ से गुल्ली डंडा के लिए भी रोड जाती है, ये ऊपर से गुल्ली डंडा के लिए भी रोड जाती है गाइस।
से होना इस साइड से होना जी गाइज, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हम यहाँ आ गए हैं नाल्टी में। वहाँ पर गेट बंद था, नाल्टी में नहीं जा पाए। नाल्टी से थोड़ा सा आगे आए गुल्ली डंडे वाली साइड और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही पसीना आ गया, मतलब रोड से अबाउट 300 से 400 मीटर दूर पैदल चल कर आए हैं इतना सामान उठाकर, जो भी सामान है। तो अभी पहुँच गए हम वहाँ। तो ये देखिए, ये सब लोग हैं हमारी पार्टी में। 2-3 बंदे ऊपर गए। अब ऊपर जगह अच्छी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऊपर चला जाना पड़ेगा हमें फिर से सामान लेके 200-300 मीटर और। तो चलिए दोस्तों, अभी तक फिलहाल तो सब ठीक जा रहा है, मगर पसीने की मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हाई टेम्परेचर है। तो चलिए, अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। चलिए भाई, वीडियो छोटी होनी चाहिए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊँगा, मेरा व्लॉग छोटा होगा इस बार। हेलो गाइज, तो अभी मैं 150 किलोमीटर पानी में चला गया हूँ। हनुमान जी की जय हो, जय बजरंगबली, करो पास करो। हेलो गाइज, 500 किलोमीटर पानी में गया हूँ। देखो पानी में नहाओ, मजे करो। पानी में रह रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किल है गाइस। अब एक बार दिख रहा हो गया वीडियो में, ओके गाइस। अब मैं आपको वीडियो, जब मैं पानी से बाहर निकलूंगा तब आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए बाय, टाटा टाटा। हाँ जी गाइस, तो जैसे आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ नहा के, और बालों को अभी सूखने में बहुत टाइम लगेगा, तो इससे जो है डैमेज हो सकते हैं बाल। तो चलो कोई बात नहीं, उतना तो अब हमें भी मैनेज करना ही होगा। और देखो अभी मैं आ गया हूँ नहा के। तो गाइस चलो देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है वीडियो में, क्या क्या नहीं होता। मैं तो थोड़ा सा अपने आप को टावल से थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ। तो गाइस ये देखो, मैंने 2 टावल्स रखे थे अपने पास। ये पीछे वाला जो है ये मैं करूँगा, इससे मैं करूँगा अपना फेस वॉश, फेस को करूँगा इससे, मतलब साफ करूँगा, सुखाऊँगा, और हेयर्स को। बाकी बॉडी मैंने इस पिंक वाले टॉवल से कर दी, तो इसको मैं यहाँ पर पत्थर पे रख दूँगा और मैं अभी हेयर्स को सुखाता हूँ। कोशिश करता हूँ सूखेंगे तो नहीं, तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। गाइज चल लो, पहले मैं हेयर सुखाता हूँ। तो गाइज जितना हो सकता था उतना मैंने अपने हेयर्स को सुखा दिया है, बट अभी फिर भी जो थोड़े से हेयर्स जो हैं वो अभी फिर भी थोड़े से वेट हैं, गीले हैं। तो बट थोड़ा सा ना, मतलब जो प्रिकॉशन के उससे, मतलब हेयर्स मैंने अपने थोड़े थोड़े सुखा लिए हैं। तो गाइज ये देखो, अभी भी गीले तो बहुत हैं बट मतलब मैक्सिमम सूख ही गए हैं।
अब वो अंदर से गीले तो हैं, उसके लिए ड्रायर तो यहाँ पर मैं यूज़ ला नहीं सकता कहीं से। तो चलिए गाइस, हेयर मैंने सुखा दिए, आगे का अब क्या क्या होगा पिकनिक में वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। पानी का बहाव यहाँ पर मेरे साथ में बहुत तेज़ है, तो आपको मेरी आवाज़ शायद कम आ रही होगी, तो उसकी गलती अब मेरी गलती है। पर गाइस ये देखो पीछे ये पुल सा है, ये पुल दिखाने के लिए मैंने अभी आपके लिए ये वीडियो बनाई। ये पुल है, इस पुल पर आइए, यहाँ पर बैठ कर आप मजे कीजिए। वैसे यार मजा कर रहा हूँ, बाकी गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए ये गाय है यहाँ, ये देखिए गाइस ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं इतने दूर जाकर। ये मेरी मासी है और इन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये कैमरे के अंदर आ रहे हैं, तो ये सब हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे पता चल जाता है कि कैमरे के अंदर है। ये देखिए ये हैं बनाने वाले, ये लोग बना रहे हैं। ये मेरे मामा जी, इनकी इंट्रोडक्शन मैंने पहले दी थी। ये मेरे मसैया और ये मेरे दोनों मसैया जो ये बात कर रहे हैं। और ये जो हैं ये मेरे मामा जी हैं, इंट्रोडक्शन इनकी हो गई है पहले ही। देखिए कितना अच्छा बना रहे हैं, प्याज अभी कुछ कर रहे हैं प्याजों को। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमारा आकाश मामू, प्रीवियस वीडियोस में आपने इन्हें देखा है, हमारे आकाश मामू। ये आपका अभी कोतवाल, आपका भद्रुवाई बुआई, तो देखा ही होगा मुझे भी आपने कहीं ना कहीं दुनिया में जहां में। तो ये देखिए यहां से आगे अब हम जा रहे हैं कहीं पर, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए रंग बिरंगे फूल, कितने अच्छे फूल हैं। किसी को प्रपोज करना होगा इसी जगह पर आकर करना प्रपोज, क्योंकि अगर थप्पड़ थुप्पड़ बज भी जाए तो वो कोई टेंशन नहीं होगी कि लोगों को पता चला। देख कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, आई एम लाइकिंग इट, लाइकिंग इट। कसरोड़ देखिए, कसरोड़ मुई छुई कुई क्या क्या बोलते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, किश्तवाड़ी लोग इसको बोलते हैं, खबर क्या बोलते हैं मैं किसी पूछूंगा फिर बताऊंगा। कसरोड़ जनाब, भद्रवाह में बोलते हैं कसरोड़, किश्तवाड़ी में बोलते हैं शायद मुई, मुई मुई बोलते हैं शायद। हाँ ये वही है जो ये निकाल रहे हैं अभी। और गाइज ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग तो ऐसे ही चलती रहेगी जिंदगी भर। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने चैनल में गाइज व्लॉगिंग के अलावा कुछ, मतलब वो चैलेंजेस वीडियो नहीं होती जैसे बाकी यूट्यूब चैनल में होती है, चैलेंजेस प्रैंक वीडियोस जस्ट लाइक एज दैट, मैं जब किश्तवाड़ जाऊँगा वहाँ पर मेरी टीम से मिलूंगा। टीम मेरी है, टीम में एक बंदा और है, मतलब टीम आप समझ सकते हो ना, टीम मैनेजर, को मैनेजर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टीममेट से, उनसे सबसे मिलूंगा। उनसे मिलके मैं इसका थोड़ा सा मोटिव चेंज करूंगा। व्लॉगिंग भी होते हो सके आती रहेगी, पर व्लॉगिंग के अलावा भी मैं, मतलब जैसे वो चैलेंजेस वीडियो नहीं होती, प्रैंक वीडियो, चैलेंजेस वीडियो, उस टाइप की वीडियोस भी डालूंगा मेरे दोस्तों। और देखिए अभी हम यहाँ पर ट्रैकिंग, इट्स आ टाइप ऑफ ट्रैकिंग। देखो हमने कितना कुछ सब्जियां यहाँ से ढूंढी, मुफ्त में आए हम यहाँ पर अपने तेल खर्च कर, फिर हमने यहाँ पर मुफ्त में ही बैठना था, पर हमें यहाँ पर देखिए कितनी सारी सब्जियां मिल गई। वो देखिए मेरे नाना जी पीछे सब्जियां, कितनी सारी सब्जियां इन्होंने भी ढूंढी हैं। तो गाइज पता है क्या सीन होता है, हाँ जी नेड़ो कैमरा, हाँ जी ये देखिए कसरोड़ मुई, कश्तवाड़ियों के लिए होती है ये मुई और हम भद्रवाहियों के लिए होती है ये कसरोड़। जो कश्तवाड़ी देख रहा है, कश्तवाड़ी इसको चैनल को सब्सक्राइब करो यार कश्तवाड़ी भाइयों। ये देखो मुई, ये देखो ये उसका डंडा, ये वो असली में। तो गाइज ये मतलब एक टाइप की ना ट्रैकिंग होती है, हर जगह जहां आप जाते हो हर एक जगह एक आपके लिए मतलब एक हिस्ट्री सी बन जाती है। मतलब जहां भी आप जाओगे आप सोचोगे कि आप यहां पर गए थे वहां पर गए थे। तो ये अभी हम मतलब लोग फोटोज खींचते हैं लेकिन हमने कैप्चर किया, हम कैप्चर कर रहे हैं अपनी सारी मेमोरीज, सॉरी हिस्ट्री नहीं मेमोरीज, मुझे समझ आ रहा था कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट दोस्तों ये मेमोरीज होती है। तो ये हमने आज कैप्चर किया, ये तो आप सभी लोगों तक भी पहुँचाया। और हो सके तो हमने कहा था शॉर्ट होगी वीडियो, क्योंकि बड़ी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस पार्टों में वीडियोस वो फिर अच्छा नहीं लगता दोस्तों। तो ये वीडियो जो है हमने बिल्कुल शॉर्ट में बनाई है। तो ये देखो ये हैं जी मेरे नाना जी भद्रवाह में, किसी से भी पूछ लीजिएगा इनके बारे में, राज सिंह चाड़क जी इनका नाम है, ये मेरे नाना जी हैं। देखिए ये भी ढूंढ रहे हैं कसरोड़, मतलब सभी लोग जहाँ पर आकर कुछ ना कुछ अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा ही निकाल रहे हैं, कि हर जगह जहाँ जाओ हर जगह में कुछ ना कुछ मिलेगा। ये बात मेरी याद रखना दोस्तों, जहाँ भी जाओगे कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। क्या वो देखिए गाय पीछे चर रही हैं, चुग रही हैं अपना खाना, अपने घास शास चुग रही हैं। और हम यहाँ पर आपको ये एनवायरनमेंट, ये सीनरी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। चलो पुल, हम आपको पुल दिखाते हैं, जब तक पुल नहीं दिखेगा तब तक के लिए बाय दोस्तों।
दोस्तों ये जो YouTube का होता है ना सीन, दोस्तों YouTube में क्या होता है कि लोग कुछ YouTube पे वीडियो बनाते हैं ना, कुछ बनाते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अब यही YouTube पर वीडियोज ही बनाना प्रोफेशन है। बट दोस्तों नहीं, आप इसको एक सेकेंड पार्ट टाइम भी रख सकते हो, YouTube एक पार्ट टाइम भी हो सकता है। देखिए दोस्तों इस बंदे ने कितनी सारी, मतलब मैं बोल रहा था ना आपको, वो सब्जी ढूंढ कर लाई। ये बंदे का चैनल, इस बंदे का पेज, सब्जी भी दे रहा है यार हमें, ये सब्जी वाला बेच, ये सब्जी वाला, ये मेहनत नहीं, मेहनत की कमाई नहीं है ये, हमें एक तो यहाँ पे लेके आए, लड़ाई कर रहा है, इसको क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जनाब दे दीजिए, साजी गलत कर रहे हैं आप, ये एकदम पैक बिलाए, अपनी अपनी मेहनत है, एकदम इसको पैक बिलाए, बेच हम इसको एक पैक लाए, और क्या कर रहे हैं, पैक पिलाए, मीट पिलाए, फोटो खिंचाए, फोटो भी खिंचाए, फोटो खिंचाए, नलाए भी कच्चे भी इसको दाए, देखो काम ही ली मेरे को, आपको नहीं मिली, इसको कौन सी मिली, ये देखो इसने कितनी भूख लाई है, ये देखिए गाइस, कम से कम 5-10 किलो कसरोड तो पूरा परिवार यहाँ से लेकर जा रहा है, मुई कसरोड, ये देखिए कितनी सारी गाय बकरियां बैल बकरियां यहाँ पर, आप भी आ सकते हैं यहाँ पर, मतलब देखो ना गाइस यार, कोई बहुत बढ़िया जगह है यार, अपने फैमिली को लेकर आओ यार, भद्रवाह में आओ कभी, चक्कर शक्कर लगाओ, बहुत बढ़िया जगह है भद्रवाह में, आपको कभी कोई सीन टेंशन, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगी। ओ आकाश बाबू आ जाए यार, आ जाए पुल के पास, जाएंगे पुल के पास, देखिए गाइस ये है पुल, इतना बड़ा पुल है ये, इसको बनाने के लिए चार इंटरनेशनल कंपनियों ने मिलकर इस ब्रिज को बनाया है। देखिए कलाकारी, देखिए कलाकारी, देखिए इस ब्रिज में, आपने वो देखा होगा कि एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंट होता है। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस से बंदा क्रिएटिविटी कर सकता है। नॉलेज से क्या होता है? नॉलेज से एक सेल है, सेल को सेल बनाएंगे, एक्सपीरियंस होगा सेल से आगे और चीजें बन सकती हैं। ये देखिए एक्सपीरियंस नॉलेज, बहुत पुराना पुल है ये। इस पुल में देखिए कितनी सारी स्वर्ण सोने की मुद्राएं यूज की गई हैं दोस्तों, स्वर्ण सोने की मुद्राएं। देखिए बनावट देखिए इस पुल की, आज से करीब 50 साल 60-70 साल पहले बना हुआ ये पुल है, आज से 70 साल पहले बना हुआ ये पुल है। ये देखिए क्या बनावट है इसकी, ये देखिए कितना बड़े बड़े इसमें लकड़ियां लगाई गई हैं। इस पुल को हम देना चाहते हैं एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से एक पन्ना इसके नाम करना चाहते हैं हम। सभी लोग शेयर करो इस पुल को, हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालना है दोस्तों, इस पुल को हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालना है। चार कंपनियां लगी थी इस पुल को बनाने में, चार इंटरनेशनल कंपनियों ने बनाया, चारों फेल हो गई, फिर भद्रवाह के देसी मिस्त्री आए, देसी मजदूर आए, उन्होंने बनाया ये पुल। देखो गाइस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो पिकनिक व्लॉग जिस वीडियो में लिखा होगा उस वीडियो में समझ जाना कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जिस वीडियो में डेली व्लॉग होगा उस वीडियो में समझ जाना कि मैं घर के अंदर हूँ और घर के अंदर मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस यही मैं आपको बताना है कि गाइस अब देखो पिकनिक क्या यार, पिकनिक होती है आना, घूमना, फिरना, वो मैंने सब कुछ कर दिया, खाने पीना अब आपको दिखाऊंगा मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, तो वो जचता नहीं है गाइस, वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ब्लॉग वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है, आपने सब कुछ देख लिया। एक बार सीनरी मैं आपको बैक कैमरे से कर फिर से दिखा देता हूँ, इसके बाद दिखा दूंगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं ब्लॉग को कर दूं एंड, क्योंकि बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, बहुत अच्छा कुछ सब कुछ मैंने बताया आपको, कहाँ है क्या नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर लेता हूँ उस ब्लॉग को एंड, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग फिर दोस्तों आपको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फिर इतना बड़ा ब्लॉग देखने के लिए आपके पास कहाँ टाइम होगा मेरे जैसे गरीब आदमी को देखने के लिए। आपको तो देखने हैं ना वो गलत चीज़ें देखने ना, आपको इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, मेरी वीडियोस देखने के लिए कहाँ आपके पास टाइम होगा। तो गाइज वैसे जोक्स अपार्ट, अंग्रेजी में कहते हैं ना जोक्स अपार्ट, जोक्स के अलावा अब मैं आपको कहता हूँ कि अब मैं मेरे ख्याल से व्लॉग एंड करना होगा, क्योंकि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं वो दिखा करना भाई, वो अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब अंदर से भी लगता है कि ये क्या है यार, ये कोई चीज़ है दिखाने की, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। तो गाइज पिकनिक हो गई, अब घर जाएंगे, वो क्या दिखाना है आपको, घर जा रहे हैं, तो अब पिकनिक हो गई हमारी, व्लॉग कंप्लीटेड है, व्लॉग को मैं करता हूँ सोचता हूँ एंड। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरा ऑन करके आगे पीछे का दिखा लेता हूँ, तो यहीं पर करते हैं इस व्लॉग को एंड भाइयों और भाइयों की बहनों, तो बाय बाय यार, मिलेंगे कभी और नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ कल सोनी देख।
कैलाश पर्वत शिव कैलाशों के वासी दूड़ेदारों के राजा कैलाश शंकर शंकर।